अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। आज की नारी पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही है। कोई भी भूमिका हो, हर भूमिका बखूबी निभा रही है, वो घर भी संभाल सकती है और अपना कार्यक्षेत्र भी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुना शहर की महिला पुलिस बल के द्वारा हनुमान चौराहे पर खड़े होकर शहर की जनता को यातायात नियमों का पालन करवाया। साथ ही जिन दो पहिया वाहन चालकों ने पूर्ण सुरक्षा का पालन किया उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित भी किया। इसी के साथ महिला पुलिस बल के द्वारा महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए दोपहिया वाहनों पर रैली निकाली गई, जिसको पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शहर के मुख्य मार्गों से हनुमान चौराहा, हार्ट रोड, सराफा बाजार, जयस्तंभ चौराहा होते हुए मानस भवन पर इसका समापन किया गया। महिला पुलिस बल के द्वारा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा का संदेश दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर वाहन चालकों को भी समझाइश दी गई और वाहन पर हों तो वाहन कागजात व हेलमेट साथ में रखने को कहा गया। महिला दिवस के अवसर पर आज गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, सीएसपी आकाश अमलकर, यातायात उप पुलिस अधीक्षक मुकेश दीक्षित, सूबेदार हर्ष यादव, सूबेदार मोनिका जैन, निर्भया प्रभारी आशालता पवार, महिला थाना प्रभारी ज्योति राजपूत सहित जिले के सभी थाना के प्रभारी व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। आज के दिन यातायात व्यवस्था पूरी महिला बल ही संभाल रहा है। आज पूरे दिन ट्रैफिक अरेंजमेंट महिला बल ही संभाल रहा है। सर बताइए, आज महिला दिवस के अवसर पर आपको कैसा लग रहा है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देश भी है, हम अपने महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक रेगुलेट करवाएं और उनसे भी जानें और जो ट्रैफिक चल रहे हैं उनसे भी जाने तो उन्हें कैसा मैसेज है। ट्रैफिक रेगुलेशन महिलाओं के लिए अच्छा करते हैं। सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जा रहा है और हमारे मध्य प्रदेश में भी एक आज नई व्यवस्था लागू की गई हम लोगों के लिए, आज के लिए कि आज पूरा यातायात व्यवस्था महिलाओं द्वारा संभाला जाएगा। इसी उपलक्ष्य में हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज हम लोगों को यातायात की कमान दी गई है। संभालते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो सारे काम करते ही रहते हैं पुलिस में, सभी काम करते हैं और महिलाएं क्या है घर के साथ बाहर का भी काम संभाल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं आई इस चीज़ में और हम बखूबी हर जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। तो महिला दिवस की सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस संबंध में देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी मामले में किसी से कम नहीं है, वो चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं।